हेलो स्टूडेंट, मैं आरम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कृषि मौसम विज्ञान के बारे में, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, द वर्ड मेट्रोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम, जो मेट्रोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो मेट्रोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रश्न दूसरा देखते हैं हम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन आईएमडी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईएमडी, की स्थापना कब हुई। तो आईएमडी की स्थापना हुई 1875 में। और यहाँ एक कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न और पूछता है कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिवीजन की स्थापना कब हुई। तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिवीजन की स्थापना हुई 1932 में। बात करें अपने तीसरे प्रश्न के बारे में, टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न के पे, टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बात करें पांचवें प्रश्न की, टोटल एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया, कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 21 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बात करते हैं अपने छठवें प्रश्न की, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन, ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है। तो ओजोन परत स्थित होती है स्ट्रेप्टोस्फीयर में। ओजोन परत उपस्थित होती है कहाँ, स्ट्रेप्टोस्फीयर में, जिसको हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। ओजोन परत का निर्माण जब ऑक्सीजन के अणु टूट जाते हैं, सौर विकिरण से जब ऑक्सीजन के अणु टूट जाते हैं, तो वो टूटे हुए ऑक्सीजन के अणु जब O2 से एक साथ क्रिया करके O3 का निर्माण करते हैं, तो आपका ओजोन परत का निर्माण होता है, ओजोन लेयर का निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच लेयर, वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक फोटो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, वो भी स्ट्रेप्टोस्फीयर में होता है। अब स्ट्रेप्टोस्फीयर लिखने का मतलब क्या है, समताप मंडल। आइए अपना आठवां प्रश्न देखते हैं, 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर विद इन, वायुमंडल का 99% भाग स्थित होता है कितने किलोमीटर तक, विद इन 40 किलोमीटर तक। 40 किलोमीटर तक वायुमंडल का 99% भाग उपस्थित होता है। मैं बात करें नौवें प्रश्न के बारे में, ऑल क्लाइमेटिक एक्टिविटी इन विच लेयर, सभी मौसम संबंधित घटनाएं किस परत में होती हैं। वायुमंडल के किस परत में बादल का बनना, धुंध का बनना, ओस का बनना, पाला का बनना किस परत में होती है। तो वो परत है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। बात करें अपने दसवें प्रश्न के बारे में, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेप्टोस्फीयर, जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेप्टोस्फीयर के बीच की परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या होता है, जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेप्टोस्फीयर के बीच की परत होती है। ये इस तरह से दो तीन प्रश्न आते हैं, जैसे ये देखिए आप, अगर हम बात करें ये है ट्रोपोस्फीयर, ये है स्ट्रेप्टोस्फीयर, मीजो और थर्मो, थर्मोस्फीयर। तो हम देखते हैं ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेप्टोस्फीयर की जो ये बीच में परत है, जो परत है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। बात करें स्ट्रेप्टोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच की परत को, तो स्ट्रेप्टोपॉज, और मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की परत को, तो मीजोपॉज। जिसको इंग्लिश में दिक्कत है वो समझ जाए, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, इसको समताप मंडल,
इसको मध्यमंडल और इसको तापमंडल। अब हम बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। बात करें अपने 12वें प्रश्न की, द अर्थ रोटेट इन इट्स एक्सिस एट एंगल, पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुक के गति करता है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर कितना कोण झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। धुरी मतलब होता है एक्सिस। अब बात करें अपने 13वें प्रश्न की, नॉर्मल लैप्स रेट, जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्रति किलोमीटर जाने में कुछ तापमान में गिरावट आती है, उसे ही हम लैप्स रेट कहते हैं। तो लैप्स रेट कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस/किलोमीटर। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम नीचे होगा, कम होगा। बात करें, डे और नाइट इज इक्वल टू, दिन और रात बराबर होते हैं किस दिन। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न के, द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम, जो मानसून शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो मानसून शब्द अरेबिक भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। बात करें अपने 16वें प्रश्न की, ग्रैंड रेनफॉल पीरियड ऑफ इंडिया, भारत का प्रमुख वर्षा काल है, किसे कहा जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये भारत में लगभग 90% वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में लगभग 90% वर्षा करता है। अब हम बात करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट इन केरल, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सबसे पहले कहाँ आता है, केरल के तट पे आता है। तो ये इस केरल पर किस समय आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून। बात करते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, विच स्टेट बेनिफिट फॉर नॉर्थ ईस्ट मानसून, मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, किस राज्य में इस मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इस कारण दो राज्य प्रमुख बेनिफिट होते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करती है। 19वां प्रश्न, केमिकल यूज फॉर आर्टिफिशियल रेनफॉल, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल के अगर किसी ने UPPCS की पेपर दिया होगा तो उसमें देखा होगा ये प्रश्न पूछा था। बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न के बारे में, एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया, भारत का औसत वर्षा कितना है। तो एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया 1194 मिलीमीटर। आज हमने कृषि मौसम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की, जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न आते हैं तो गलती होने की कोई भी संभावना नहीं रहे।